हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईलॉग एकेडमी। आज हमारा है एनालिसिस क्वेश्चन ऑफ द डे से, इट मींस आपका लीनियर एलजेब्रा से क्वेश्चन है आपका 19th ऑफ मई का। लेट पी एन बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री स्ट्रिक्टली लेस एंड इक्वल टू एन विद रियल कोफिशियंट्स, डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हमारी गिवन है P2 से P3, ठीक है ना, जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल में है। तो गिवन क्या है, टी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 to x इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं पी ऑफ टी इंटू में डी टी प्लस पी डैश ऑफ, ये यहाँ पे x आएगा, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, प्लस पी ऑफ 2, ठीक है। राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2 एंड P3, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बेसिस से हमें इसकी टी की मैट्रिक्स हमें बतानी है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ जो हमें गिवन है ये, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है, सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है P2 से P3, ठीक है। तो क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स का 0 to x है हमारे पास, पी ऑफ टी इंटू में डी टी है, प्लस पी डैश ऑफ एक्स है, प्लस पी ऑफ 2 है, ये हमें गिवन है। अच्छा, हमारे पास बेसिस इसके क्या हुए P3 के, 1 x x2, ये बेसिस हुए हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास P2 के हुए, ठीक है ना, हमें विद रिस्पेक्ट टू P3 के करना था, ठीक है। तो P3 के इट मींस हमें जो वो बनानी है उसकी मैट्रिक्स 1 x की, x² और x³, इसके रिस्पेक्ट में हमें इसकी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और जो हमें वैल्यूज जो पुट करनी है वो ये करनी है P2 की हमारे पास, इसमें पी ऑफ एक्स में, ठीक है। तो अब देखो इसका हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहले हम टी ऑफ, यानी इट मींस हम 1 इसमें लेके चलते हैं पी ऑफ एक्स की जगह, ठीक है। तो जब 0 to x हम इसमें 1 पुट करेंगे, पी ऑफ टी की जगह 1 पुट किया यहाँ से। अब देखो ये क्या, पी डैश ऑफ एक्स 1 का अगर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे है पी ऑफ 2 और हमारे पास है कॉन्स्टेंट 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब देखो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो टी आएगा, ठीक है, और टी की लिमिट क्या हो जाएगी, x - 0, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है हमारे पास, टी आएगा तो टी की जगह x - 0 हम पुट कर देंगे यहाँ से, प्लस 1 हो जाएगा, इट मींस हमारे पास x+1 आ जाएगा, ठीक है, टी ऑफ 1 का, ठीक है। फिर है हमारे पास टी ऑफ एक्स का, यानी कि पी ऑफ एक्स की जगह हमें एक्स को पुट करना है, तो 0 to x लिमिट है हमारे पास, एक्स पुट करेंगे, लेकिन नहीं यहाँ पे क्या है, पी ऑफ टी है ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे अपना टी पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो टी पुट किया यहाँ से, प्लस अब देखो ये पी डैश है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमें एक्स का, क्या आएगा 1, प्लस पी ऑफ 2 है हमारे पास, ठीक है ना। तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2 ही पुट करेंगे, तो ये वाला 2 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, t² / 2, लिमिट क्या है, x है हमारे पास तो 0 का तो 0 बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं x² / 2 प्लस 1 + 2 कितना बन गया हमारे पास, 3, ठीक है। सेम हम टी ऑफ x² के लिए लेंगे, अब 0 to x यहाँ से t² पुट करेंगे dt। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन हम जो करेंगे p डैश में, x² का क्या बनेगा यहाँ से, 2x, ठीक है। x की जगह हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो x² = 2 का स्क्वेयर, इट मींस 4 बन गया ये, यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3, x की लिमिट है हमारे पास, तो x³/3 प्लस 2x + 4, ये हमारे पास आ गई हैं इनकी वैल्यू, टी ऑफ 1, टी ऑफ एक्स, टी ऑफ x² की, ठीक है। अब हमें क्या बनानी है, इसकी मैट्रिक्स बनानी है विद रिस्पेक्ट टू P3 से, ठीक है ना, स्टैंडर्ड बेसिस से हमें बनानी थी। तो अब हमारे पास क्या इसकी होगी, हमारे पास कोफिशियंट्स क्या है, 1 x x² और x³, ये है।
तो देखो इसमें क्या है, x का वन कॉफिशियंट है और कांस्टेंट वन है, तो यहाँ पे वन यहाँ पे वन, ये दोनों तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। ठीक है, फिर इसके लिए हम बात करते हैं, कांस्टेंट है थ्री और स्क्वेयर का कॉफिशियंट है वन बाय टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, कांस्टेंट थ्री हो गया, एक्स की वैल्यू जो कॉफिशियंट है वो जीरो है, एक्स स्क्वेयर का वन बाय टू हो गया, एक्स क्यूब का है ही नहीं है। अब इसके लिए अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट फोर हो गया है, एक्स का कॉफिशियंट क्या है टू है, एक्स स्क्वेयर का हमारे पास है नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और इसका क्या है वन बाय थ्री एक्स क्यूब का यहाँ से। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में, थैंक यू।